के इस डिजिटल लेसन में आप तमाम का तहदीर से इस्तबाल है बच्चों इससे पहले के डिजिटल लेसन में हमने जमात दहम के आखिरी सबक गोपी चंद से इंटरव्यू के पहले हिस्से को पढ़ा था आज हम गोपी चंद से इंटरव्यू के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे बच्चों आपको याद होगा कि इससे पहले के सबक़ में हमने एक तमसीली इंटरव्यू लिया था इस तमसीली इंटरव्यू में बहसीत गोपी चंद नारंग जना मोहम्मद महमूद साहब स्कूल असिस्टेंट शरीक थे और आज के इस दूसरे हिस्से में भी मैं हमारे मेहमान जना मोहम्मद महमूद साहब जो के बहसीियत प्रोफेसर गोपी चंद नारंग इंटरव्यू दे रहे हैं मैं इनका तहजील से इस्ताल करता हूँ अल्लाम रहा वर्का शुक्रिया आपका कि आपने दूसरी मरतबा भी इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया आपने दूसरे मरहले के इंटरव्यू में भी शिरकत की बहसीियत गोपी चंद नारंग आपका फिर से एक बार खैर मकदम करता हूँ तो चलिए बच्चों हम सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबक के दूसरे हिस्से को जो इंटरव्यू की शक्ल में है उसको पूरा करते हैं चलिए बच्चों मेरा सवाल है हाँ तो मेरा सवाल है साहब आपके मुताबिक बोलचाल की ज़ुबान में शायरी नहीं हो सकती जबकि शायरी की ज़ुबान में बोलचाल हो सकती है क्या आज की शायरी बोलचाल की सतह से ऊपर की शायरी है हाँ शायर शायर में फर्क होता है मैंने ये बात मीर की जबान की पस मंजर में अर्ज की थी जिनको हरचंद के गुफ्तगु अवाम से थी लेकिन शोरा शेर इनके खास पसंद भी हैं आला शायरी में सादा नजर आने वाली जबान दरअसल सादा नहीं होती इसमें माने तय दर तह होते हैं इनको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं लेकिन शायरी तखलीक का हिस्सा इसी वक्त अदा कर सकती है जब आम जबान जिंदा रहने वाली ज़बान बन जाए यानी बोलचाल की ज़बान में मानी आफरीनी और हुसनकारी का वो मंजर शामिल हो जाए जिसका जादू दिलों पर चल सके आज की शायरी में अच्छी या बुरी तरह की शायरी है अच्छी कम बुरी ज्यादा जहां जहां माने आफरीनी है वहां जिंदा रहने का इमकान है हाँ तो बच्चों यहां पर आपने सुना कि बोलचाल की जुबान में अगर शायरी की जाए हुस्नकारी और सादा अल्फाज में अगर बोलचाल की जुबान में शायरी की जाए तो वो अवाम के जहनों तक पहुंच सकती है ये प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब का ख्याल है बच्चों हम आगे बढ़ते हैं हाँ साहब आपकी राय है कि नौजवान तख्ली को आलमी अदब के क्लासिक के साथ हिंदी बंगाली मराठी गुजराती और मलयालम वगैरह के तराजिम का मुतालिया भी करना चाहिए ये तराजम दस्याब कहाँ से होंगे हिंदी बंगाली मराठी गुजराती और मलयालम वगैरह के शाहकारों के तराजिम साहित्य एकेडमी से भी शाये हुए हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट से भी ये किताबें कम दामों की हैं और आसानी से दस्तियाब हैं जो नौजवान लेकर पढ़ सकते हैं हाँ तो साहब अभी आपने सुना क्या तहकीकारों को किताबें दस्तियाब नहीं हो रही हैं इसके लिए क्या करना चाहिए इसके जवाब में अभी आपने सुना कि तख्लीकारों को किताबों की तलाश के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि साहित्य मुख्तलिफ जुबानों की किताबें साहित्य अकैडमी में दस्तियाब हैं जैसे हिंदी है बंगाली है मराठी है मलयालम है गुजराती है ये तमाम ज़ुबानें आपको साहित्य अकैडमी के दफ्तर में मिलेंगी या उन रियासतों के अकैडमीज़ में भी वो किताबें दस्याब रहेंगी या नेशनल ट्रस्ट बुक से भी आप उन किताबों को हासिल करते हुए अपनी तहकीक को आगे बढ़ा सकते हैं हाँ तो साहब मेरा और एक सवाल है आपसे क्या आप भी उर्दू को मुसलमानों से मंसूब करते हैं नहीं जबान का मजहब नहीं होता जबान का समाज होता है जो लोग जबानों को एक मज़हब तक महदूद करते हैं वो जबान के साथ बे इंसाफ़ी करते हैं जबान एक जमहूरी समाजी अमल है जो जिस जबान को बोलता है जबान उसकी हो जाती है जबान हर अजारा के खिलाफ होती है उर्दू ज़बान का तल्लु ना तो सामी खानदान से है और ना ईरानी खानदान से उर्दू का ताल्लुक हिंद आर्याई खानदानों से है इसकी बुनियाद एक प्राकृत यानि खड़ी बोली पर है अलबत् इसकी लफ्जियात का इम्तियाजी हिस्सा अरबी फ़ारसी से आया है ताहम उर्दू के सत्तर फ़ीसद अल्फाज बखौलफ मौलिफ़ फरहंग आसिफिया हिंदी के हैं उर्दू को कई सदियों तक हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलजुल कर सजाया संवारा है इसका रस्म अरबी फ़ारसी से माखूज है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें इस्लामी अनासर का रंग चौखा है लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है दुनिया की बड़ी जबानें खुद को किसी एक मजहब पर बंद नहीं करती अगर कोई उर्दू जबान को मुसलमानों तक महदूद करना चाहता है तो ये इसकी आज़ादी है लेकिन ये कोता अंदेशी भी है जिससे जबान का नुकसान होता है कोई नहीं पूछता कि गुजराती या मलयालम या कन्नड़ या मराठी का मजहब क्या है उर्दू ही पर ये क्रम क्यों आसमान खुशबू और हवा की तरह जबान भी सबके लिए होती है यहाँ पर गोपीचंद नारंग साहब कह रहे हैं कि उर्दू जुबान सबकी है इसको किसी एक तक महदूद ना किया जाए बल्कि ये सबकी जुबान है प्रोफेसर साहब के अल्फाज में उर्दू ना तो सामी खानदान से है और ना ही ईरानी खानदान से है बल्कि उर्दू हिंद आर्याई खानदान से ताल्लुक़ रखती है और इस जुबान के इस जुबान में एक मिलजुल कर बनी है प्राकृत संस्कृत भाषा से जो एक खड़ी बोली के तौर पर वजूद में आई और यह वही उर्दू है बखौल मौलिफ फिरंगी आसफिया के इसमें सत्तर फ़ीसद हिंदी के हैं तो बच्चों आपको मालूम होगा कि हिंदी और उर्दू मिली जुली हैं इसके अल्फाज उसमें मिलते हैं और हिंदी के अल्फाज उर्दू में मिलते हैं इस तरह से यहाँ पर प्रोफ़ेसर गोपी चंद नारंग साहब कह रहे हैं कि उर्दू किसी एक की जागीर नहीं है इस पर किसी की इजारा जारी नहीं है बल्कि ये सब की ज़ुबान है जो जिस ज़ुबान को अपनाता है वो उसका हो जाता है और बच्चों प्रोफेसर साहब ने कहा कि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कहीं महदूद नहीं हो सकती खुशबू की तरह आसमान की तरह और हवा की तरह उर्दू हर तरफ़ बिखरी हुई है चाहे जिस इलाक़े का भी हो उसको अपना सकता है और उससे मोहब्बत कर सकता है और उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हुए उसको अपना सकता है हाँ तो बच्चों प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब कह रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान को कोई भी अपना सकता है यह उर्दू ज़ुबान एक खुशबू की तरह है एक हवा की तरह है या एक आसमान की तरह है जो जहाँ तक चाहे जा सकते हैं इस पर कोता अंदेशी ना करें बल्कि इसको चाहे किसी भी मज़हब का आदमी हो चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुकता हो वो उसको अपना सकता है बच्चों आपको याद होगा कि उर्दू को फैलने फूलने में जहाँ मुसलमानों ने मदद की वहीं पर हिंदू हजरात ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है आपको मालूम होगा गोपीचंद नारंग के अलावा कृष्ण चंद्र हैं और प्रेमचंद स्वामी रामानंद तीरथ सुरजहाँ आबादी फिराक गोरखपुरी नसीम चकबिस लखनवी इस तरह के कई नाम अनगिनत नाम मौजूद हैं जिन्होंने उर्दू की आबियाारी की उर्दू ज़बान को फ़रोग दिया और उर्दू की तरक्की के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाया ये उर्दू ज़बान किसी एक की जागीर नहीं है इसको कोई भी अपना सकता है चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो उर्दू ज़बान को अपना सकता है वो उर्दू ज़बान को जिस तरह से गोपी चंद नारंग साहब ने उर्दू को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है इसी तरह से लाखों हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम हजरात भी उर्दू को अपना उड़ना बिछाना बना लिए हैं और उर्दू की तरक्की के लिए आखिरी दम तक काम कर रहे हैं हाँ तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं आपसे और एक सवाल है साहब हाँ तो साहब आलमी अदब पर गहरी नज़र की रोशनी में फरमाइए कि किस जुबान के अदब ने आपको ज़्यादा मुतासर किया या आपके ख्याल में किसी खत्े का अदब ज़्यादा तहजीब याफ्ता और बामाना है बावजूद इसके के मैंने बहुत सी जबानों के बहुत से शाहकार पढ़े हैं लेकिन जो जमालियाती हिज व अपने अदब में मिलता है वो किसी दूसरे अदब से हासिल नहीं होता अपनी जबान में सबसे ज़्यादा जमालियाती हिज़ मीर तखी मीर और गालिब से पाता हूँ हाँ तो बच्चों प्रोफेसर गोपी चन्नारंग साहब कह रहे हैं कि जमालियाती हिस्स उन्होंने सिर्फ उर्दू ज़बान में पाया उन्होंने उर्दू के मशहूर शोरा मीर तखी मीर और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के कलाम में जमालियाती हिस्स को पाया और इसी को अपनाते हुए उन्होंने उर्दू से मोहब्बत की और वो उर्दू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चलिए बच्चों अब तक ये दूसरा हिस्सा था इसके चंद सवाल आपके सामने पेश हैं इसके जवाब आप ख़ुद देने की कोशिश कीजिए हाँ तो बच्चों सोचिए बोलिए के तहत अब तक जो सवालत हमने यहाँ पर प्रोफेसर साहब से किए हैं उससे मुत्ल चंद सवाल हैं ये क्यों कहा गया कि आसमान खुशबू और हवा की तरह ज़बान भी सबके लिए होती है हाँ बच्चों अभी इसका जवाब आपने सुना इसको अपने अल्फाज़ में देने की कोशिश कीजिए दूसरा सवाल है बच्चों ज़बान का ताल्लुक मजहब से नहीं है क्यों नहीं है इसका जवाब भी आप खुद से देने की कोशिश कीजिए तीसरा सवाल है बच्चों हम कैसे कह सकते हैं कि उर्दू की जड़ें हमारी मिली जुली तहजीब में दूर दूर तक पेवस्त हैं हाँ बच्चों अब तक का जो इंटरव्यू है ये इसके मुतक़ तीन सवाल थे इनके जवाब आप अपने तौर पर देने की कोशिश कीजिए चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब से मेरा दूसरा सवाल है आपके बाद आपके घर परिवार में उर्दू का मुस्तबल क्या है ज़रा बताइए साहब उर्दू के मुस्तबिल के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता मेरी बीवी और दोनों लड़के अरुण और तरुण उर्दू पढ़ सकते हैं अब एक कनाडा में है दूसरा न्यूयॉर्क में इनकी औलादों दर औलादों की जबानें मुस्तबिल में क्या होंगी मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि उर्दू ऐसी जबान है इसके दीवाने कहीं ना कहीं पैदा होते रहेंगे तो बच्चों आपने अभी सुना प्रोफेसर गोपीचंद चंद नारंग साहब अपनी औलाद के ताल्लुक से पहलू तही करते हुए कहते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे उर्दू को अपनाएंगे या नहीं उनके दो लड़के अरुण और तरुण एक कनाडा में हैं और दूसरा न्यूयॉर्क में है उनकी औलाद और उनकी दर औलाद औलाद दर औलाद उनका मुस्तबिल क्या होगा क्या वो उर्दू को अपनाएँगे या नहीं इसका जवाब यहाँ पर प्रोफ़ेसर साहब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उनके बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं कि वो अपनी तालीम चाहे किसी भी जबान से हो हासिल करें इस तरह और एक बात यह कहते हैं कि ये उर्दू को चाहने वाले दीवाने हर जगह मौजूद हैं लाखों दीवाने हैं सारी दुनिया में उर्दू का चलन है कहीं ना कहीं उर्दू को फ़रोग देने वाले पैदा होंगे इस तरह से प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब ने इस सवाल का जवाब दिया आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं आपसे और एक सवाल है दहली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान दिए जाने पर आपके एहसास क्या हैं और इससे जबान की तरक्की के इम्कान किस कदर हैं कुछ तो फ़ायदा होगा ही उर्दू दहली से कभी गायब नहीं हुई दहली खदीम के एक बड़े हिस्से में उर्दू बराबर बोली जाती रही है उर्दू को दूसरी जबान कहना मुझको अच्छा नहीं लगता जो कल बेगम थी वो आज बांदी हो गई हरचंद के दिल्ली सरकार की मेहरबानी है कि इसने ये कदम उठाया लेकिन हाय इसका जुद पशेमा होना खुदा करे दहली के स्कूलों में उर्दू पूरी तरह रायज हो जाए ये काम हो गया तो बाकी दरवाज़े उर्दू ज़बान अपने आप खोल लेगी जी बच्चों अभी आपने सुना प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के चीफ़ मिनिस्टर ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया वहाँ पर और उर्दू वहाँ से गायब नहीं हुई जिस तरह खदीम दिल्ली में उर्दू बोली जाती है बोली जाती थी आज भी बोली जा रही है उर्दू के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि उर्दू के फरोग में दिल्ली सरकार ने जो इकदाम लिया वो हाय जो दशेमा का पशेमा होना यानी बहुत जल्द पछताना ये काम बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन बहुत देर हो गई कि उर्दू को उसको उसका जायज़ मुकाम मिला और वहाँ पर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान करार दिया गया इस तरह से प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब उर्दू को उसका हकीक मुक़ाम दिलाने पर बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं कि उर्दू को इसका जो मुकाम है दिया जाए हाँ तो बच्चों मेरा अगला सवाल है एक ख्याल ये है हिंदुस्तान में उर्दू की मुसलमानों से मंसूबी इस जुबान के मुस्तक़बिल के लिए मजरसा है आप इस ज़ुबान से वस्ता अफराद को किस तरह के मशवरे देना पसंद करेंगे मैं मशवरे देने को अच्छी बात नहीं समझता मशवरे सियासतदान देते हैं अफसोस है तेज़ी से कमर्शल होते हुए समाजों में सरकारें भी और लोग भी जबान की अहमियत को भूल गए हैं हालांकि ज़बान तहजीब की कलीद है ज़बान नहीं है तो आपका चेहरा नहीं है और चेहरा नहीं है तो तहजीब नहीं है अगर तहजीब नहीं है तो आप सिर्फ खाने कमाने जीने और मरने के लिए जीते हैं जिस तहजीब से मेरा ताल्लुक़ है इसमें इस तरह का जीना ना जीने के बराबर है ज़बान तहजीब का चेहरा तो है ही इंसानियत इकदार एत और मजहब का चेहरा भी है जबान है तो तारीख़ का शौर है ज़बान है तो नेक वद का शौर है इससे ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ आज कल जो तशद और खून खराबा है इसके पीछे ज़बान के शौर की कमी है जबान दिलों में उतर जाए तो अंदर का हुजरा रोशन हो जाए जबान मोहब्बत का दूसरा नाम है ये जोड़ती है तोड़ती नहीं हाँ तो बच्चों अभी आपने सुना कि प्रोफेसर साहब यहाँ मशवरा देना नहीं चाहते और वो कहते हैं कि मशवरा तो सियासतदान देते हैं आज के इस कमर्शियल ज़माने में लोग जबानों को भूल रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जबान तहजीब की कलीद है अगर आप तहजीब याफ्ता होना है तहजीब याफ्ता कहलाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप जबान से वाबस्ता हो जाएं और अगर ज़बान नहीं है तो आदमी का चेहरा नहीं है और चेहरा नहीं है तो आपकी तहजीब नहीं है इस तरह से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ज़ुबान को अहमियत दें और ज़ुबान को अपनाएँ अगर हम जुबान पर दस्तरस हासिल करें तो हमें हर चीज़ की मालूम हासिल हो सकती हैं हमें तारीख का शूर आ सकता है हमें समाजी माशरती हर तरह के मामल में हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस तरह से प्रोफ़ेसर साहब कह रहे हैं कि ज़ुबान मोहब्बत का दूसरा नाम है कि ज़ुबान तो मुल्क गिरी लिहाजा अपने ज़ुबान को मीठी रखें और जब भी हम किसी से कलाम करें किसी से बात करें सलीके से करें यहाँ पर प्रोफ़ेसर साहब आखिरी बात यह कह रहे हैं कि ज़ुबान दिलों को जोड़ती है तोड़ती नहीं लिहाजा हमें एक अच्छा पैगाम दिया है उन्होंने के ज़ुबान के ज़रिए हम दिलों को जोड़ें और आपस में जो जो भी रखावतें हैं उसको दूर करते हुए एक दूसरे के गले मिल जाएं और अपने ज़ुबान को फ़रोग दें और दीगर जुबानों के साथ भी हमारी ज़ुबान परवरिश पाए हाँ तो बच्चों इस तरह आपने प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब का तमसीली इंटरव्यू सुना और इसके चंद सवाल आपके सामने पेश हैं इन सवालों के जवाब भी आप खुद ही से देने की कोशिश कीजिए हाँ तो बच्चों सोचिए बोलिए के तहत दो सवाल आते हैं पहला सवाल है उर्दू के मुस्तबिल के बारे में गोपी चंद नारंग का क्या गुमान रखते हैं और दूसरा सवाल है बच्चों उर्दू की तरक्की के लिए गोपी चंद नारंग की नज़र में बुनियादी काम क्या है ये दो सवाल के जवाब आप अपने तौर पर दीजिए बच्चों हाँ तो बच्चों प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब की शख्सियत को यहाँ पर पेश किया गया मैं एक शेर कहता हूँ उनके ताल्लुक से कि वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी जहाँ से भी गुज़रता है सलीख़ा छोड़ जाता है हाँ तो बच्चों गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू के तल्ल से था इस तमसीली इंटरव्यू में हमारे दरमियान बहसीियत गोपी चंद नारंग जनाब मोहम्मद महमूद साहब ने शिरकत की मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जजाकल्ला जजाकल्ला हाँ तो बच्चों अब हम ये कीजिए के तहत जो इसजादे हैं उसको हल करेंगे समझना इजहार ख़्याल करना के तहत यहाँ पर हिस्सा आलिफ और हिस्सा बे दिए गए हैं हिस्सा आलिफ में इस इंटरव्यू के ज़रिए हमें क्या पैगाम मिलता है इसका जवाब देना है बच्चों आपको मालूम है कि इंटरव्यू के ज़रिए क्या पैगाम मिला हमें क्या सबक़ मिला कि हम किस तरह से दूसरों के अहसास को मालूम कर सकते हैं किस तरह सवाल करना उसका जवाब किस तरह से आता है इसके तमाम मालूम आपने अभी हासिल कि इसी तरह हिस्सा बे में गोपीचंद नारायण के ख्याल में शायरी की ज़ुबान और बोलचाल की ज़ुबान में क्या ताल्लुक होना चाहिए इसके ताल्लुक से भी आपने मालूम हासिल की अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हिस्सा जिम के तहत जैल के जुमलों को पढ़िए और उनका मतलब बयान कीजिए बच्चों अभी हमने इंटरव्यू के जवाब में इन जुमलों को पढ़ा इन जुमलों का मतलब आप अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश कीजिए बच्चों पहला जुमला है बर सग़ीर की जुबानें सब अहम होंगी कोई किसी से हिटी नहीं लेकिन उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबानों का ताजमहल है इसका मतलब आप अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश कीजिए इसी तरह बच्चों दूसरा जुमला है जो जिस जबान को बोलता है ज़बान उसकी हो जाती है ज़बान हर इजारा दारी के ख़िलाफ़ होती है हाँ बच्चों ये जुमला भी हमने इंटरव्यू में जवाब में सुना था इसको भी आप अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश कीजिए इसी तरह बच्चों इस सबक का आखिरी जुमला था जबान मोहब्बत का दूसरा नाम है ये जोड़ती है तोड़ती नहीं इसका मतलब भी आप अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश कीजिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हिस्सा डाल के तहत एक इबारत दी गई है इस इबारत को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके सवालत के जवाब आपको देना है जैल का अतबाज पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए बच्चों यहाँ पर अहतबास पढ़ रहा हूँ आदमी की जिंदगी हमेशा किसी दूसरी ज़िंदगी से वस्ता होती है इसकी जहनी ज़िंदगी का चराग हमेशा किसी दूसरी जहनी ज़िंदगी से रोशन होता है जिंदगी की लहलहाती बॉडी में खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है और यूँ हर इंसान किसी दूसरे का उस्ताद सिखाने वाला बताने वाला और बनाने वाला होता है बच्चों अकतबास था इसके सवाल नीचे दिए गए हैं पहला सवाल है बच्चों आदमी की ज़िंदगी हमेशा किसी दूसरी ज़िंदगी से क्यों वाबस्त होती है बच्चों इसका जवाब आपको इस इबारत में मिल जाएगा कहाँ है इसको तलाश कीजिए और अपने तौर पर लिखिए दूसरा सवाल बच्चों तबीयत के रुझान से क्या मुराद है तीसरा सवाल अगर कोई शख्स अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाला होता है तो इसकी शनाख्त कैसे हो सकती है चौथा सवाल जिन लोगों का झुकाव औरों की तरफ होता है उनमें कौन से सिफात नज़र आती हैं पाँचवा सवाल बच्चों इस मजमून के लिए कोई मुनासिब मुनासिबान तजवीज़ कीजिए हाँ तो बच्चों इन सवाल में चार सवाल के जवाब आपको इस इबारत में मिलेंगे इस इकतबास में मिलेंगे अलबतः इसका पाँचवा सवाल है इस मजमून के लिए कोई मुनासिब मुनासिबान तजवीज़ कीजिए यह आपको अपनी तरफ से इसका अनुमान बनाना है इस सबक का नाम आपको देना है यह आप अपनी तरफ से सोच कर दीजिए चलिए बच्चों इजहार माफी ज़मीर की तरफ बढ़ते हैं बचो हिस्सा अलिफ के तहत जो मुख्तर सवाल दिए गए हैं हाँ तो बचो इजहार माफी ज़मीर और तखली सलाहियत का इजहार के तहत हिस्सा अलिफ के तहत दिए गए सवालों के जवाब मुख्तर दीजिए पहला सवाल है गोपी चंद नारंग के तालीमी सफर के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों सबक के इब्तदा में आपने इनके तल्ल से मालूम हासिल की यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं इसी तरह बच्चों दूसरा सवाल गोपी चंद नारंग के वालिद कौन कौन सी ज़ुबानें जानते थे ये भी आपने सुना है इसको आप अपने अल्फाज में लिखिए तीसरा सवाल है बच्चों उर्दू ज़ुबान से हिंदुस्तानियों की मोहब्बत का क्या आलम है चौथा सवाल उर्दू को दूसरी सरकारी करार दिए जाने पर गोपी चंद नारंग के एहसास क्या थे इन सवाल के जवाब बचो आपको मुख्तर देने हैं तीन या चार जुमलों में भी आप इन सवाल के जवाब दे सकते हैं चलिए बच्चों तवील जवाबी सवाल की तरफ बढ़ते हैं हिस्सा बे के तहत जैल के सवालों के जवाब तफसीली तौर पर दीजिए यहाँ पर तफसीली तौर पर चार सवाल दिए गए हैं गोपी चंद नारंग को उर्दू ज़बान में महारत क्यों कर हासिल हुई दूसरा सवाल बच्चों फ़िल बदी तकरीर और लिखी हुई तकरीर में क्या फ़र्क़ होता है बच्चों इस सवाल का जवाब भी आपने सुना है प्रोफेसर गोपी नारंग साहब जब इंटरव्यू दे रहे थे उस वक्त इन्होंने ये इसका ख़ुलासा किया था इसको आपको लिखना है तीसरा सवाल बच्चों ज़बान का मज़हब नहीं होता बल्कि ज़ुबान का समाज होता है गोपी चंद नारंग ने ऐसा क्यों कहा चौथा सवाल गोपी चंद नारंग ने उर्दू वालों को क्या मशूरे दिए हैं चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हिस्सा जीम के तहत तखली और तोसीफ़ी अंदाज में लिखने के लिए दो सवाल दिए गए हैं अपने इलाक़े के किसी समाजी शख्सियत से मुलाकात कीजिए और उनसे इंटरव्यू के अंदाज़ में गुतगु कीजिए और इसे तहरीर शक्ल में दीजिए गोपी नारंग की उर्दू जबान अदब से मोहब्बत और महारत का आपको सबक के दौरान एहसास हुआ होगा आप उनकी सतश कैसे करेंगे तहरीर कीजिए बच्चों तखली सलाहियत के तहत तखली और तोसीफ़ी अंदाज में दो सवाल दिए गए हैं आपको क्या करना है आपके महले के या आपके मकाम के आपके इलाक़े के किसी बड़े शख्सियत से मुलाकात कीजिए और उनसे इंटरव्यू लीजिए और इस इंटरव्यू को तहरीर शक्ल में लिखने की कोशिश कीजिए ठीक है बच्चों आगे बढ़ेंगे तीसरा सेक्शन के तहत ज़बान शनासी लफ्जियात हैं हिस्सा लिफ के तहत इस इंटरव्यू में कई एक अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इन्हें तलाश कीजिए और उसके माने लिखिए मिसाल के तौर पर बच्चों रिटायरमेंट का एक लफ्ज़ इस इंटरव्यू में आया है कमर्शियल आया है इसी तरह और दूसरे अल्फाज भी इस इंटरव्यू में आए हैं जैसे यूनिवर्सिटी और लेबर या पोजीशन है कमर्शियल या रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस तरह के अल्फाज अंग्रेज़ी के अल्फाज को आप लिखिए और उसके माने उर्दू में लिखने की कोशिश कीजिए जैसे यूनिवर्सिटी के माने होते हैं उर्दू में जामिया इस तरह बच्चों हिस्सा बे में जैल के अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं इनको आप जुमलों में इस्तेमाल करना है अजबर मलिका पेशरफ़त रफत एतख़ात लगन रियाजत सामाइन रसमत बच्चों अलग, अलग अलग आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है जैसे अजबर के माने हैं ज़ुबानी याद करना है अहमद ने सबक को ज़ुबानी याद किया इसको किस तरह लिखेंगे अहमद ने सबक अजबर कर लिया या आज जलसे में सामाइन की कसर तैदा शरीक थी इस तरह आपको लिखना है बच्चों फवायद के तहत इस जुमले पर गौर कीजिए यहाँ पर सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में होती हैं मुफरत जुमला और मरकब जुमला इन जुमलों को अलग अलग करना है जैसे नजमु शहर सबक़ पढ़ रही है ये एक जुमला है बच्चों ये जुमले ख़बरिया है इसी तरह वो जुमला जिसमें किसी वाक़ या हालत की कैफियत की खबर दी जाए और जिसमें सच और झूठ का गुमान ना हो वो वुमले खबरिया कहलाता है जैसे नजम शहर सबक़ पड़ रही है ये जुमला ख़्रिया है जुमला इंशाइया क्या है बच्चों ऐसा जुमला जिससे कहने वाले के दिली मंशा या जज्बात ज़ाहिर हों और इसमें सच और झूठ का गुमान हरगिज़ ना हो जुमला इंशाइया कहलाता है जैसे नजमुद शहर से कहो कि वो सबक पढ़े इस तरह बच्चों आज हमारा यहीं पर सबक इख्ताम को पहुँचता है आखिर में आपको जो फ़वाद बताए गए हैं जुमले ख़रिया जुमले इनशाइया इसको अच्छी तरह से आपको मिसालें देकर लिखना है बच्चों इस सबक का अख्तितम यहीं पर करते हैं इन किसी दूसरे डिजिटल लेसन के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए शुक्रिया खुदा हाफिज़ ఆహారం పాడవకుండా ఉంచడం ఆహార పరక్షణ ద్వారానే సాధ్యం మనం ప్రతిరోజు ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు వాడుతుంటాం